वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बूट लूप कैसे फिक्स करें जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे मैं कुछ TWR पे यहाँ पे ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पे जो है मेरा डिवाइस जो है बूट लूप पे चला गया है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है फास्ट बूट मोड पे आ जाता है। जो कि यहाँ पे मैं अभी फोर्स रिबूट करता हूँ तो यहाँ पे जो है डिवाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है फास्ट बूट मोड पे आ जाता है। तो इसको कैसे फिक्स करें उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं होल्ड कर रहा हूँ जो कि पावर की को, तो यहाँ पे डिवाइस ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पे मैं रिलीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि मेरा डिवाइस है यहाँ पे नॉर्मली बूट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो है TWRP नहीं है, और यहाँ पे जो है कोई भी कस्टम रॉम नहीं है, जो कि यहाँ पे जो है डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिबूट हो रहा है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो रेडमी का लोगो आ चुका है और यहाँ पे फास्ट बूट मोड, जो कि यहाँ पे डिवाइस मेरा बूट नहीं हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे रिबूट होता रहता है, कंटिन्यूसली रिबूट होता है, तो उसके ऊपर भी ये मेथड वर्क होता है। जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेरे डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं बेशक इसको अनब्रिक कर सकता हूँ, जो कि इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने डिवाइस को PC से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं PC से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं PC से कनेक्ट कर चुका हूँ। तो PC से कनेक्ट करने के बाद आपको आना है PC में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ PC में। आपको यहाँ पे जो है फास्ट बूट रॉम डाउनलोड कर लेना है, जो कि IN एक्स्ट्रा रहा तो ये जो है इंडियन वर्जन है, अगर ये IN नहीं रहा तो ये ग्लोबल वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे IN एक्स्ट्रा है तो इसके कारण यहाँ पे मैं इंडियन वर्जन फ्लैश कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको जो है Xiaomi फ्लैश टूल, इसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जो कि 46 MB का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो है 2.81 GB का आपको देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे फास्ट बूट जो यहाँ पे Xiaomi फ्लैश है इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। देख सकते हो जो कि Xiaomi फ्लैश यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद एक ऑटोमेटिकली जो है एक शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पे फास्ट बूट रोम है इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको एक्सट्रैक्ट होने तक वेट। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे फोल्डर आ चुका है। तो इसको ओपन कर लेना है और इसके अंदर आपको यहाँ पे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसके अंदर एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, इसको भी ओपन कर लीजिए। और इतने सारे फाइल्स आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बैक आना है और ये फाइल को जो है यहाँ पे कट कर लेना है। यहाँ पे लोकल डिस्क C में जाना है, यहाँ पे Xiaomi में जाना है, और यहाँ पे Xiaomi फ्लैश में जाना है, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैं पेस्ट कर चुका हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है इस फाइल को, जो कि इस फाइल को आपने जो अभी कॉपी किया था, ओपन करके जो फाइल का पाथ है यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 12.0.2.0, इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो Xiaomi फ्लैश है इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है, जो कि ये इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है शॉर्टकट आ जाता है। तो इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। एक बार रिफ्रेश करना है, जो कि डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लीन ऑल चूज़ करना है, याद रखिए क्लीन ऑल चूज़ करना है। एक बार रिफ्रेश करिए, उसके बाद यहाँ पे फ्लैश कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है, तो आपको यहाँ पे फ्लैश होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है और यहाँ पे जो है MIUI का लोगो भी आ चुका है। तो यहाँ पे बेशक जो है आप यहाँ पे अनब्रिक कर सकते हो अपने डिवाइस को। यहाँ पे जो है बहुत बार यहाँ पे मेरे डिवाइस में ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे बेशक ये मेथड यूज़ करके जो है यहाँ पे मैं रिकवर कर लेता था अपने डिवाइस को, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है ये जो है, लेकिन ये नॉर्मल है। आप यहाँ पे जो है इसको अनब्रिक कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस में ये जो है मेथड कभी हुआ तो आप बेशक ये मेथड फॉलो करके अनब्रिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस जो है यहाँ पे बूट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बूट होने तक आपको वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे सेटअप करके अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।